नवी मुंबईमधील पनवेलमध्ये नुपूर शर्माचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी तहसील कार्यालयावर मुस्लिम समाजाने भव्य मोर्चा काढला होता. यावेळी हजारो मुस्लिम बांधव आणि महिला मोर्चामध्ये सहभागी झाल्या होत्या. तर नुपूर शर्मावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करणारे निवेदन देखील तहसीलदारांना यावेळी देण्यात आले. अंकल 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत में वो एक जो नुपूर शर्मा को है उसने गुस्ताखी की है, उसको तुरंत जेल होनी चाहिए और उसको अरेस्ट होना चाहिए. ये हमारी मांग है. इसके लिए हमारे पूरे समाज के औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सब यहाँ पे आए हुए हैं. आप कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अभी तहसील ऑफिस. अच्छा, तहसील ऑफिस जाने मांग करने के लिए. मांग करने आपने पहले से ये मोर्चा निकाला है कि आपने आप निकाला है? अरे पहले से हमने निकाला. आपने निवेदन दिया था इसके लिए? आज निवेदन देने के लिए. तो अभी उनको ये करेंगे, बताएंगे? हाँ बताएंगे, उनको अरेस्ट करने के लिए बोलेंगे. कोई भी एक्स वाई ज़ेड आके देश में जो हारमोनी है उसको डिस्टर्ब करेगा वो बिल्कुल सही नहीं है. हर किसी ने अपने हक से समझना चाहिए. इस्लाम जो है सबको प्यार का भावना देता है. कभी हम किसी के लिए लड़ते नहीं है, लेकिन जहाँ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा वहाँ पर हम हमारी जान, हमारी औलाद, हमारे माल, हमारे माँ बाप सबको कुर्बान देकर देंगे. ये कभी नहीं समझना चाहिए कि हम कभी रसूल के खिलाफ सुनने वाले हैं. ये हमेशा याद रखिए कि जहाँ भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा हम यहाँ लाशें बिछा सकते हैं. और हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि जिसने भी ये किया है उसका सर गर्दन से अलग कर दिया जाए. पनवेलमध्ये आज जो निषेध मोर्चा झाला आणि राज्यभर भारतभर जे निषेध मोर्चे होत आहेत आणि खास करून आज इथे मोर्चा झाला पनवेलमध्ये, तर याच्याकडे फक्त मुस्लिम समाजाने काढलेला मोर्चा असा संकुचित अर्थानं न बघता की या देशात राहणाऱ्या सगळ्या नागरिकांनी काढलेला तो मोर्चा होता. म्हणजे कुठल्याही जाती धर्मातल्या कुठल्याही महापुरुषाविषयी, कुठल्याही संतांविषयी, परिषदांविषयी अशी टिप्पणी करणं हे या भारतीय समाजाला न आवडणारं अजिबात आहे. तर इथली जी मानसिकता आहे, जो समाज आहे भारताचा आपला, कोणाला ते न आवडणार आहे. त्यामुळे कोणाच्या भावना दुखावण्याने अशा घटना वारंवार घडतात. कुठेतरी तो निषेध नोंदणं आवश्यक आहे. म्हणून समाजात सर्व समाजात लोकांनी मिळून काढलेला हा मोर्चा होता, अशी याची नोंद घेतली गेली पाहिजे. पहिला मुद्दा. दुसरा मुद्दा की मध्यंतरीका प्राध्यापकाने शिवलिंगाविषयी टिप्पणी केली तर त्यांना लगेच अटक केली गेली. आणि पैगंबरांविषयी इतकी अभद्र टिप्पणी केल्यानंतर त्यांना अजूनही संरक्षण पुरवलं जात आहे, म्हणजे खेदाची बाब आहे. आणि म्हणून अशा लोकांना अटक तर केलीच पाहिजे, कारवाई तर झालीच पाहिजे. पण त्याच्याशिवाय त्याच्याही पलीकडं कुठल्याही जाती धर्मातल्या भावनांविषयी, श्रद्धांविषयी, श्रद्धास्थानांविषयी किंवा महापुरुषांविषयी टिप्पणी होत असेल तर त्यांच्यावर कडक बंदोबस्त व्हावा, त्यावर कारवाई, असं एखादा कायदा शासनाने संमत करावा यासाठी हा मोर्चा होता. नबी अच्छा, उन्होंने जो किया गलत है, अब तक होता है बहुत गलत किया है. क्या करेंगे, मांग क्या करेंगे? यही इनको जेल में डालें. अच्छा, आप अभी कहाँ पे जा रहे हो? अभी हम लोग तहसील में जा रहे हैं. अच्छा, निवेदन देंगे? अच्छा, ये हजारों में पहले से फिक्स किया मोर्चा किया था? अच्छा, क्या मांग है? आप यहाँ पर निवेदन देने के लिए आए थे, इतना बड़ा मोर्चा निकला. हमारी एक ही मांग है, हमारे हमारे बोले यही मांग किसने कहा क्या आप क्या उन्होंने कहा है, उनका नाम भी हम तबादले लेना नहीं चाहते. ऐसे लोगों का जो समाज में गिरे हुए लोग हैं, जो समाज में गिरे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों का नाम भी लेना नहीं चाहते हम. बस हमने जो निवेदन दिया है कि ऐसे बुरे लोगों को जो है ना हमेशा के लिए बंद करें आइंदा, ताकि जो है सारे समाजों में जोड़ पैदा हो. ये गलत जुमले जो है समाजों को तोड़ पैदा करते, दिलों में फटन पैदा करते, दिलों को फाड़ते. हमारा यही निवेदन है हमेशा के लिए ये गंदे जुमले जो है किसी के मजहब के बारे में, इसलिए कि हर एक का मजहब हर एक को प्यारा है, कोई किसी के मजहब में बुरा नहीं बोले, किसी के मजहब बोले तो बुरा नहीं बोले, ये हमारा निवेदन है. अभी हम निवेदन देके जो है खामोशी के साथ जाने वाले. आपने निवेदन में क्या मांग की? यही मांग की है कि जिन्होंने बुरा बोला है उसको उसकी सजा मिले, बस यही हमारी मांग है. शासन की तरफ से आपको
क्या उत्तर मिला है? प्रशासन की तरफ से उत्तर मिला है कि जल्द से जल्द उनको सजा दी जाएगी और वो हमको उम्मीद है कि प्रशासन हमारे साथ जो है सही मामला करेगा, हक का मामला करेगा और जो जिन्होंने गलती किया उसको सजा देगा। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर।